उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत गलत तरीके से लाभ लेने का मामला सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 43,42,000 रुपए की वसूली कर चुकी है, अभी भी 350 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली बाकी है। कृषि विभाग सभी लोगों को नोटिस जारी कर सरकार की ओर से भेजी गई राशि वापस करने का निर्देश दे रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत गलत लाभार्थियों से वसूली के बारे में आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक वसूली के बारे में इंडियन टाइम न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विभाग गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले 512 लोगों से 43,42,00,000 रुपए की वसूली कर चुका है। इन लोगों ने किसान सम्मान निधि के तहत 21,000 से अधिक किस्तों में पैसे प्राप्त किए थे। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान स्कीम से जुड़ी वसूली के संबंध में ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की पहचान के लिए सोशल ऑडिट की गई है। इसमें 45,000 से अधिक किसान ऐसे भी पाए गए हैं जो इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं थे, फिर भी इन लोगों ने गलत तरीके से पैसे हासिल किए। अब इन किसानों से 3,55,00,000 से अधिक पैसे वसूल किए जाएंगे। आपको बता दें, इंडियन प्राइम न्यूज़ की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लगभग 4,60,00,000 से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का गलत लाभ लेने वाले लोगों की पहचान के लिए कृषि विभाग ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट कराकर लाभार्थियों की पहचान करा रहा है। ऑडिट के दौरान बड़ी संख्या में किसान गलत तरीके से योजना का लाभ लेते पाए गए। इन लोगों को कृषि विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। गलत तरीके से हासिल की गई रकम को लौटाने का निर्देश दिया गया है। यूपी के बस्ती जिले में सोशल ऑडिट में जिन लोगों को अपात्र पाया गया, उन लोगों की किस्तों पर रोक लगा दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन पोर्टल से भुगतान पर रोक लगाने के बाद पैसे जमा करने के लिए इन लोगों को नोटिस जारी किए गए। खबर के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद 512 लोग 43,42,00,000 रुपए लौटा चुके हैं। 42,000 से अधिक लोगों को पैसा लौटाने हैं, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नई गाइडलाइन के मुताबिक कई कारणों से लोगों को अयोग्य करार दिया जा रहा है। अयोग्य घोषित किए जाने के कई कारणों में एक एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना है। ऐसे परिवारों में किसी दूसरी योजना के तहत सरकार से आर्थिक लाभ ले रहे किसानों को अयोग्य माना जाता है। सोशल ऑडिट के मुताबिक इन लोगों ने अतिरिक्त लाभ के मकसद से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया है। इन लोगों के बैंक खातों में पैसे भी जारी किए गए। अब इन लोगों को नई गाइडलाइन के मुताबिक आयोग घोषित किया जा रहा है। ऐसे लोग भी पीएम किसान सम्मान नहीं ले सकते जो इनकम टैक्स भरते हैं। वकील, रिटायर कर्मचारी और तय मानक से अधिक जमीन पर खेती करने वाले लोगों को भी अयोग्य घोषित किया जा रहा है। कृषि विभाग सभी लोगों को नोटिस जारी करके पैसे वापस करने का निर्देश दे रहा है। इन लोगों को पैसे लौटाने ही होंगे।